धन्यवाद सभापति महोदय। भारत देश में पहली बार रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ माननीय वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी के द्वारा जो रेलवे अनुदान बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बजट में रेलवे का विकास के साथ साथ रेलवे रेल यात्रियों के लिए सारी सुविधाओं का को उन्नयन किए जाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली जी एवं रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जन सुविधा को बढ़ाने की दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं एवं आगे काम करने के लक्ष्य है। भारतीय रेल में खान पान से लेके और ओवरब्रिज वगैरह अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान रखा गया है। मैं इस पर विशेष चर्चा न कर मैं अपना झारखंड के रांची में रेलवे सुविधा के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। रांची झारखंड राज्य का राजधानी है। इसका जोनल हेडक्वार्टर हाजीपुर बिहार है जो चक्रधरपुर धनबाद रांची डिवीज़न को काफ़ी परेशानी होती है। छोटे छोटे कामों के लिए सालों भर फाइल लटका रहता है जिसे काफ़ी परेशानी होती है। अतः इन चार डीआरएम कार्यालय को जोड़कर एक जोनल हेडक्वार्टर रांची में बनाया जाए इसकी मांग पहले भी की गई है और आज भी मैं कर रहा हूँ। और उसमें एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हो, एक पदाधिकारी का नियुक्ति किया जाए जिस तरह से जोनल ऑफिस उड़ीसा में बनाया गया है और कोऑर्डिनेटर के द्वारा इसका काम में आसानी होगी। झारखंड में सभापति महोदय, झारखंड ऐसा राज्य है कि सबसे ज़्यादा राजस्व झारखंड से मिलता है और इसमें मेरा दूसरा है कि एक RICTC इंडियन रेलवे के कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन का कार्यालय रांची में बनाया जाए। यह राज्य का राजधानी है, इसमें कैटरिंग का काम बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसका कार्यालय खोलने के लिए झारखंड सरकार के साथ साथ MOU भी हो चुका है। इसका ऑफिस के लिए DRM कार्यालय में जगह भी मिल जाएगी, जगह की कमी नहीं है और इससे काफ़ी लोगों को लाभ होगा। जैसा रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन मैनेजमेंट का कार्य रांची को दिया जाए, यह दिल्ली से इसकी व्यवस्था की जाती है और इस ट्रेन का मेंटेनेंस का काम दिल्ली से ही होता है, जिसके चलते राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का साफ सफाई खान पान की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है। इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है सभापति महोदय। और रांची राजधानी ट्रेन का एकमात्र ऐसा ट्रेन है जो सप्ताह में 4 दिन ही चलाया जाता है। इसको जनहित में प्रतिदिन चलाने की मांग करता हूँ। रांची हटिया होते हुए एर्नाकुलम सप्ताह ट्रेन जो चलती है उसको जनहित में, एक मिनट में खत्म करता हूँ, जनहित में 3 दिन चलाई जाए और इस ट्रेन को माननीय सुरेश प्रभु जी ने चलाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हटिया जसवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन सर, सब हम लेकर देते हैं, फिर बहुत सा डिमांड है।